जी बेटा, जी बेटा, देखो हाँ गाय को खिलाते हैं वहाँ से उठा बेटा, वो जानवर खुला हुआ है, वो देखो एक बार अच्छा दिखाओ तो गाय को खिलाए। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे जानवर हैं, ढाई मन के एवरेज के जानवर जो पीछे खड़ा है, बहुत प्यारे प्रिंट में, और माशाल्लाह टी शर्ट जाओ बेटा, जानवर खुला हुआ वाला। अच्छा देख ले माशाल्लाह। तो जनाब ये बताएं कि ये खीरा है या दांतों में? ये खीरा है, ये खीरा है, ये दोनों खीरे हैं, और ये जो आगे वाले लाल वाला है, ये दोनों दो दो दांत होते। देखो ये आसिफ मेमन का जो कैटल फार्म है, और ये आसिफ मेमन के नाम से मशहूर है। तो अब ये फार्म के अंदर हम चलते हैं, चल के जो है ना जानवर देखते हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बकरीद के हवाले से बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत कलेक्शन जमा कर रखी है उन लोगों ने। ये अभी जानवर अनलोड हुए हैं, जो आपने अनलोडिंग देखी, ये मुल्तान से आए हैं पंजाब से जानवर, और बहुत खूबसूरत कलेक्शन है इनके पास। और देखा जाए तो इनके पास हर एवरेज के जानवर मौजूद है, जो बड़े जानवर के शौकीन हैं वो भी यहाँ के विज़िट कर सकते हैं, और जो जिनकी हैसियत बड़े जानवर की नहीं है और शौक़ उनका जो है शौक़ रखते हैं, तो वो भी यहाँ का रुख कर सकते हैं। यहाँ पे जो ना छोटे जानवर में भी अच्छे प्रिंट के जानवर देखें, ये छोटा जानवर है तकरीबन ढाई मन के एवरेज के जानवर जो पीछे खड़ा है, बहुत प्यारे प्रिंट में, और माशाल्लाह सारे जो है जितने भी जानवर हैं सारे बहुत खूबसूरत प्रिंट में, चाहे छोटे जानवर को आप देख लें बड़े जानवर देख लें। तकरीबन आपके सामने जो खड़ा हुआ है ये तकरीबन 5.5-6 मन का जानवर है, इससे पीछे जो है ये ब्लैक वाला है, ये भी तकरीबन 6 मन से ऊपर का जानवर है, वाइट वाला भी 6 मन से ऊपर का जानवर है। तो यहाँ पे एवरेज के जानवर भी हैं, और बड़े जो है शौकीन लोगों के लिए बड़े जानवर भी मौजूद हैं यहाँ पे। देखें जैसे ये है, ये बहुत खूबसूरत प्रिंट है, बहुत प्यारा प्रिंट है, अबलक में बछड़ा, और इसी तरह माशाल्लाह इन्होंने जो है इस तरफ जो है ये ज़्यादातर छोटे जानवर हैं जो अभी अपना अनलोडिंग होते हुए देखा है। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे जानवर हैं। सबसे मेन चीज़ की जो जानवर के हर हर जानवर में जो ना उसकी अपनी प्रिंट खास उसको बनाती है। सारे जितने भी नज़र आ रहे हैं सारे पंजाब नस्ल के जानवर हैं, इनमें कोई भी थरी ऐसे इनके जो कोई जानवर नहीं है। ये तकरीबन सारे जो है एवरेज जो है 2 मन से 3 मन के दरमियान के जानवर हैं। जी सैयद हमदान हसन, सैयद हमदान हसन, ये देखें ये जानवर खुला हुआ है, पीछे पीछे हट जाओ, जानवर खुला हुआ है हसन, हसन पीछे हट जाओ, ये जानवर खुला हुआ है, पीछे हट जाओ बेटा, पीछे हट जाओ बेटा, जानवर खुला हुआ है वाला। अच्छा देख ले माशाल्लाह, तो जो ना बकरियों की भी काफ़ी कलेक्शन जो है जमा कर रखी है। अच्छा ये बताएंगे कि ये जो बकरियाँ आपने रखी हुई है ये शौक़ के लिए रखी हुई है बकरी का? ये शौक़ के लिए रखी हुई है माशाल्लाह, ये टेढ़ी बकरियाँ भी हैं, और माशाल्लाह जो है इनका कहना है कि शौक़ के लिए रखा है उन्होंने। माशाल्लाह बड़े दिलदार आसिफ मेमन साहब, बहुत खूबसूरत इनके पास कलेक्शन है। और ये मंडी में घुसते ही जब आप बकरा मंडी पार करेंगे तो आपका सबसे पहला जो है सीधा सबसे पहली जो आपको कैटल फार्म दिखेगी वो यही आसिफ मेमन साहब की है, और आसिफ मेमन के नाम से ही मशहूर हुई है। फार्म का कोई ख़ास नाम नहीं है, बस ये आसिफ मेमन साहब के नाम से ही मशहूर है फार्म। ये वो जानवर है जो अभी मुल्तान से जो है कराची में आए हैं, और अभी जो है आप लोगों ने अनलोड होते हुए देखा है सबको, इस जानवर से मुझे लग रहा है डर क्योंकि इसकी रस्सी खुली हुई है। ये माशाल्लाह मेरा बेटा अभी इंजॉय कर रहा है, हसन इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आपको पसंद आ रही है आपको? अच्छा कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है बताओ मुझे, कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है? ये वाली बकरी ज़्यादा पसंद आ रही है, और ऊपर जो खड़ी हुई है, हाँ ये माशाल्लाह उन्होंने शौक़ के लिए रखा हुआ है, ये इनका सीज़न के हिसाब से कोई कारोबार के लिए नहीं रखा हुआ, उन्होंने शौक़ के लिए रखा हुआ जैसे कि उन्होंने बताया। बाकी ये जानवर जो है ये फॉर सेल हैं सारे, आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो ना अभी मंडी स्टार्ट है, रेट भी आपको जो ना मुनासिब मिलेगा यहाँ पे, और इस मंडी में भी जो है पहली एंट्री हुई है, तो माशाल्लाह आप भी यहाँ विज़िट करें यहाँ का,
इंशाल्लाह आपको अपने पसंद के जानवर और कहीं नहीं तो यहाँ पे आसिफ मेमन साहब के जो ना फार्म में आपको मिल ही जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? महमूद नाम है। कहाँ रहते हो? आठ नंबर में। यहाँ किस लिए आए आप? जानवर देखने हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलेक्शन है इनके पास। तो ये तो वो जानवर जो अभी जो है अनलोड हुए हैं, बाकी इस तरफ अगर मैं लेके चलूँ तो ये सब जो है सारे बड़े जानवर और कोई शौकीनों के लिए जो है ना बहुत खूबसूरत और बहुत आला कलेक्शन की है। मैं देखूँगा इसमें से जो ना मुझे ब्लैक अबलक में जो है ब्लैक एंड वाइट अबलक में ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मैं इनसे इसकी कीमत भी पूछूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी जो ना यहाँ के अंदाज़ा हो जाए। जी बेटा, जी बेटा देखो। हाँ गाय को खिलाते हैं वहाँ से उठा। बेटा वो जानवर खुला हुआ है, वो देखो एक बार अच्छा दिखाओ तो गाय को। नहीं जानवर खुला भाई, जैसा कि यहाँ पे हमने पता कि ये जो ये लाइन है ये वाला फॉर सेल नहीं है, इनके अपने घर के लिए है और कुछ जो है ना गब्बन जानवर खड़े हुए हैं, बाकी ये वाले जो जानवर लाइन से खड़े हैं ये भाई के हैं। आप नाम बताएं अपना। मोहम्मद अली भाई के। अच्छा ये सारे मोहम्मद अली भाई के हैं, तो हम जो है ना थोड़ा बहुत इसके जो ना रेट वगैरह लेते हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो सामने वाले जो जानवर जो खड़ा हुआ है ये, अच्छा रेट आपको नहीं मालूम है, चलिए ये बताएं कि ये खीरा है या दांतों में? ये खीरा है। ये खीरा है। हाँ। ये दोनों खीरे हैं और ये जो आगे वाले लाल वाला है ये दोनों दो दो दांत है। अच्छा रेट आपको इसका नहीं मालूम? ये चलें जी, ऐसा है कि जो ना ये इनको यहाँ का रेट मालूम नहीं है, ये भाई कह रहे हैं कि जो ना सेट इनके जो है उनको रेट मालूम है। चलें इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हो तो जो मैं आगे चल के जो ना इसके रेट वगैरह भी मैं बता दूंगा। बाकी ये जो अभी जो जानवर उतरे हैं ये अभी तो थके हुए हैं तो उनको छेड़ना मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह दोबारा इस फार्म का विज़िट करेंगे और तफसीली वीडियो यहाँ के हवाले से जो ना बताएँगे, यहाँ के ऑनर से बात भी करेंगे और यहाँ पर जो है आपको हर जानवर के बारे में डिटेल देंगे। इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट जब भी होता है तो आसिफ मेमन साहब से जो ना इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो ऐसा है कि आप लोग जो है चैनल पे बने रहें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।